कार्तिक महात्मा नवा अध्याय। राजा पृथ्वी ने कहा, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन बतलाया है। अब मैं भी श्री तुलसी जी के महात्मा को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, ये बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, एक समय जब देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने के लिए गए, तो शंकर जी ने उनकी परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनका मार्ग में ही अनुरोध कर डाला। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल युक्त तथा सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे, तथापि इंद्र ने शंकर जी को ना पहचान उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से प्रभावित होकर इंद्र कब चुप रहते, उन्होंने क्रोध से घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ तो उत्तर क्यों नहीं देता, मैं भी अभी तुझे इस वज्र से मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझ दुर्गति की रक्षा कौन करता है। फिर जो ही दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित उनका हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर जो ही उसे देखा तो ऐसे विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत ना रहा, परंतु जो बृहस्पति जी ने उनको प्रज्वलित देखा त्यों ही अपनी बुद्धि से उनको भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और इंद्र को भी उनके चरणों में गिराया। फिर बृहस्पति जी बोले, हे दीनानाथ, अपना क्रोध रोक कर इंद्र का अपराध क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले क्रोध को कैसे रोकूं। तब बृहस्पति बोले, हे भगवान, भक्तों पर तो दया करनी ही चाहिए, अतः अपना भक्त वत्सल्य नाम सार्थक कीजिए और इस तेज को शांत कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हुआ जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिया। अब मैं तुम्हें अपने वरदान द्वारा जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। ऐसा कह शंकर जी ने अपने माथे से निकले हुए तेज को लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति दोनों भय से मुक्त होकर परम सुखी हुए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। जय श्री हरि विष्णु। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री हरि विष्णु।